नमस्कार दोस्तों, BACS एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं जितेंद्र गोस्वामी आपका नए सिरे के साथ नए अंदाज के साथ स्वागत करता हूं। रीजनिंग टॉपिक में नए सेशन के साथ आपको एक बार मैं आपको बता देता हूं कि मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं बहुत अच्छा आपको टॉपिक में बता रहा हूं, बस ये कंटेंट देखना कि जो डाइस या कोई सा भी मैं टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि डाइस मैं जैसे अभी लाया हूँ आपका डाइस टॉपिक, तो आप ये देखना है कि क्वेश्चन करवाने का तरीका क्या है, कैसे अपन को करना है। तो देखिए दोस्तों, आप सब पूरा वीडियो देखना एक बार, और अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करना एक बार। देखिए दोस्तों, जो अपना डाइस है आज आपने देखा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो दोस्तों, हर पेपर में एक क्वेश्चन बनता है अब जी, बट ऐसा क्वेश्चन कई किताबों में नहीं होता जब प्रश्नवाचक वाले क्वेश्चन आते हैं। तो आपको मैं इस नए सिरे में हर क्वेश्चन में 2 से 4 सेकंड लगेगा, आप डाइस करना सीख जाओगे। तो देखना दोस्तों, बस पूरा वीडियो आप शुरू से डी एंड तक बनाए रखना, आपको हर क्वेश्चन समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बेसिक, अगर आपको पूरा वीडियो में बेसिक समझ में आ गया तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा दोस्तों। देखो, बात करते हैं पांसे की, तो आपको ध्यान रखना कि पांसा होता क्या है सर, पांसा कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं आप सभी को सबको बिल्कुल बेसिक तरीके से समझा रहा हूं। देखना दोस्तों, देखो तो आपको ध्यान रखना है कि डाइस जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो। कौन कौन सा होता है? एक मानक पांसा होता है, एक कौन सा होता है, सामान्य पासा। एक स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं, एक जनरल डाइस कहते हैं। दोस्तों सिर्फ आपको यह देखना है कि डाइस का जो मैं जादूगर बता रहा हूं आपको, हर क्वेश्चन 2 से 4 सेकंड में बनेगा। वीडियो पसंद आए तो सबसे ज्यादा शेयर करना है, कि पता होना जरूरी है ऐसे क्वेश्चन किस चैनल पर मिलते हैं, BACS एकेडमी इंदौर। देखिए दोस्तों, मानक पासा, मानक पासा क्या होता है? जोड़ने पर जो साथ ना हो, जोड़ने पर विपरीत फलक क्या हो, साथ हो। सर कैसे क्या होते हैं? देखो दोस्तों, अगर बात करते हैं, देखो कि जोड़ने पर साथ ना हो तो उसे मानक पासा, जोड़ने पर साथ हो उसे क्या कहते हैं, सामान्य पासा, जैसे इंग्लिश में जनरल डाइस ए स्टैंडर्ड डाइस। देखो दोस्तों, कोई डाइस है, डाइस है दोस्तों, ध्यान रखना, सिर्फ बेसिक मैन है पहले समझना। देख दोस्तों, जैसे मैंने कहा दो निकटवर्ती, ये निकटवर्ती हैं इसके साथ, फिर इसके साथ ए निकटवर्ती है, इसके साथ ए निकटवर्ती है। ध्यान से देखना दोस्तों, आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर मैंने जो टाइप वाइज आपको बेसिक समझा रहा हूं, फिर मैं आपको हर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए 40 क्वेश्चन दूंगा, आप खुद सॉल्व कर लोगे कि हां सर अब क्वेश्चन हमको कोई डाउट नहीं लगा। देखिए दोस्तों, पहले तो पहले देखना निकटवर्ती, निकटवर्ती सर कौन होते हैं? देखो बता देता हूं, पहले एक अपना सतह, एक होता है कौन, विपरीत, और फिर वो कौन होते हैं, निकटवर्ती। निकटवर्ती से कोई मतलब नहीं होता, मतलब होता है सिर्फ सतह और विपरीत से। मैंने कहा टोटल कितने डिजिट होते हैं, 7। अगर मैंने कहा एक, तो एक में क्या जोड़े ऐसे 7 बन जाए, 2, 3, 4, 5 और कितना, 6। तो देखिए दोस्तों, एक का कितनी फलक, 6, दो का कितना होगा, 5, 3 का कितना होगा, 4, 4 का कितना होगा, 3, 5 का कितना होगा, 2, 6 का कितना होगा, 1। तो बताइए दोस्तों, आपको यहां तक समझ में आया कि नहीं? अरे आया कि नहीं? जब दोस्तों यहां तक समझ में आ गया तो अब ध्यान रखना है, अगर ये दो निकटवर्ती जोड़ने पर साथ हुए तब आपका आंसर सामान जनरल डाइस के अकॉर्डिंग करना है सॉल्व। अगर आपका स्टैंडर्ड डाइस मतलब मानक पासा हुआ तो इसका डायरेक्ट आंसर ये होगा, एक का कितना होगा,
दो का कितना होगा पांच, तीन का चार, चार का तीन, पांच का दो, छह का कितना होगा दोस्तों एक। अब आपको वो सर कैसे होगा, समझ रहे? देखो मैं ये नहीं कहता हूँ अच्छा पढ़ा रहा हूँ कैसा है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, बस मैं यूट्यूब पे मेरे वीडियो डालने का एक ही रीजन है कि आपको पता चलना चाहिए कि इंदौर में मैं ऑफलाइन में कैसे पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं ये सब चीज़ें आपको बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। पता चलेगा तभी तो आप मेरी ऑफलाइन कोचिंग में आओगे एक बार डेमो देखने के लिए। देखिए दोस्तों सबसे पहले देखिए, तीनों एक चार, साथ हुए क्या नहीं, एक और दो तीन, साथ हुए क्या दो तीन, कितना हुआ पांच, साथ हुए क्या सर टोटल सात नहीं हुए, ये कौन सा पांच है सामान। अगर मैंने इसमें पूछा आपसे कितने का, दो का विपरीत फलक बताइए दोस्तों, तो दोस्तों दो का विपरीत फलक कितना होगा पांच, कितना होगा पांच। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत इजी है हमको आने लगेंगे, दोस्तों तजुर्बा के साथ आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा जो आप खुद कहोगे पूरा वीडियो देखने के बाद कि सर बहुत मजा आ गया, बाकी में एक नंबर क्वेश्चन थे, आपका हर क्वेश्चन करना सीख जाओगे डाइस का। देखो दोस्तों यहां तक आया कि नहीं आपका, देखो दोस्तों अब बात करते हैं, अगर मैंने पूछा कितने का तीन का, तो बताइए दोस्तों तीन का कितना होगा चार, अगर मैंने पूछा कितने का एक का, तो दोस्तों एक का कितना होगा छः, बिल्कुल बेसिक से। तो बताइए आपको यहां तक समझ में आ गया कि नहीं। अगर बात करता हूं मैं बिल्कुल पहले मैं बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूं, क्वेश्चन देखना फिर, अगर दो पांच और तीन, अब आपको सर जोड़ने पर अगर सात होते अगर सामान होता तो कैसे सॉल्व करते, देखो जब मानक होगा तो इसका आंसर एक का छः होगा, दो का पांच होगा, तीन का चार होगा, चार का तीन होगा, पांच का दो होगा, छः का एक होगा। मगर जब सामान होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि पांच और दो सात, सात हो रहा है कि नहीं, तो ये कौन सा पांच है सामान। दोस्तों जब सामान है और मैंने आपसे इधर पूछ लिया कितने का, तीन का विपरीत फलक बताइए, कितने का तीन का विपरीत फलक बताइए, तो बताओ तीन के सामने आपको क्या करना है, जब डाइस कौन सा डाइस हो, जनरल सामान डाइस हो, सामान पास आओ, तो कितना लिखना है एक दो तीन चार पांच और एक कितना लिखना है छः, तो जिसका पूछा जाए उस पर तो अंडरलाइन कर लो पहले, कितना दिया तीन का अंडरलाइन, वो जो डाइस के अंदर दिए गए दिए जाएंगे जो डिजिट उसको काटना, कितना दिया दो, कितना दिया पांच, कितना कितना बचा एक चार और छः, तो इसका करेक्ट आंसर ये तीनों होंगे, ये तीन होंगे। बताइए दोस्तों आपको यहां तक समझ में आया कि नहीं। अगर आपने कहा सर मुझे एक बार और बताइए, बिल्कुल इजी तरीके से देखिए दोस्तों, देखिए देखिए छः एक तीन, छः तीन एक, छः तीन एक का मतलब क्या है दोस्तों, एक और तीन चार, साथ हुए क्या नहीं, तीन और छः नौ, साथ हुए क्या नहीं, छः और एक सात, सात हुए क्या हाँ हुए सर, तो ये कौन सा पासा है सामान। और मैंने अगर इसमें कितने का पूछ दिया, किसी का भी पूछ सकते हैं, दो का विपरीत फलक बताइए सर, तो दो के सामने कितना एक दो तीन चार पांच और कितना छः, दोस्तों कितने का पूछा दो, दो का, दो के अलावा जो इस डाइस में दिए जाएंगे उसे काट देना है, तीन कितना छः, कितना एक,
तो बताइए दोस्तों कितना कितना बचा, 4 और 5। बताइए आपको एक डाइस वाला बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बताइए दोस्तों, बिल्कुल मैं स्टैंडर्ड और आपका जनरल डाइस दोनों बताएं, बिल्कुल बेसिक से आपको समझा रहा हूं। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो सबसे ज़्यादा लाइक और शेयर आपको करना है, क्योंकि सबको पता चलना चाहिए कि एक डाइस पढ़ाते तो सभी हैं, मगर मैं एक ही वीडियो में हर प्रकार का क्वेश्चन लेके आया हूं। कि एक बार अगर पूरा वीडियो देखना है तो ये मैं गारंटी देखता हूं, पूरा पढ़ने के बाद आप खुद कहोगे कमेंट में कि वाकई में सर हमको बहुत अच्छे से समझ में आया। और जिस एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं सभी, आप इस वीडियो देखने के बाद डाइस का क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपसे कभी। एक बार आप खुद एक बार पढ़ने के बाद किसी का बुक का कहीं से भी आप लगाओगे तो हर क्वेश्चन आपसे बनेगा। ये मेरा वादा है, तो वादा कभी टूटता नहीं, एक बार देखना जरूर है आपको। तो देखिए दोस्तों, जब यहां तक आ गया, अब बात करते हैं कि एक पासे के बाद कहानी आ जाए सर दो। जैसे देखो, अगर मैं यहीं पे आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लूं, अगर मैंने क्वेश्चन पूछ लिया 6, 4 और 5, इसमें मैंने आपसे पूछ लिया एक का विपरीत फलक बताइए, एक का विपरीत फलक बताइए दोस्तों। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको ये देखना है कि डाइस है कौन सा। देखो, 5 और 1 6 जोड़ेंगे कितना होगा, 11। 7 हुए क्या, नहीं। 6 और 4 10। 7 हुए क्या, 4 और 5 9। 7 हुए क्या, नहीं। फिर बताओ सर, 7 नहीं हुए तो कौन सा पासा है, मानक। जब मानक होगा दोस्तों तो बताए आंसर इधर होगा। 1 का 6, 2 का 5, 3 का 4, 4 का 3, 5 का 2, 6 का कितना, 1। तो बताइए, 1 का पूछा है तो 1 का आंसर कितना होगा, 6। कितना होगा, 6। तो इसका करेक्ट आंसर कितना है, 6। तो बताइए दोस्तों, यहां तक बताइए आपको कोई डाउट लगा, ठीक है। जब आपको ये बिल्कुल बेसिक समझ में आ गया दोस्तों, तो आपको इस नजरअंदाज करना है कि इधर कितने का पूछा गया था आपसे, 3 का विपरीत। ध्यान रखना, इधर आपसे कितने का पूछा गया, 1 का विपरीत फलक। तो आपको मैंने क्या क्या समझा दिया अभी, इस अभी यहां तक, एक मानक पासा हो गया, एक सामान्य पासा होता है। मानक पासे के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे आपको बता दिया मैंने, सामान्य पासे के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे मैंने 1 और 2 क्वेश्चन में आपको समझा दिया है, ठीक है दोस्तों। अगर मैं यहीं पे आपको 2 डबल सिखा दूं, अभी देखो बिल्कुल बेसिक से समझा रहे, क्यों बताया है, कैसा भी क्वेश्चन होगा आप हर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। बस पूरा वीडियो देखना, आप क्वेश्चन देखना एक बार कि सर बता किस तरीके क्वेश्चन को रहे। देखिए देखो, नजर डालने के लिए मैं आपको दिखा देता हूं एक बार कि इस तरीके अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना है दोस्तों। नजर देखिए, चुटकियों में सॉल्व करोगे फिर इन क्वेश्चन को। सर मैं आपको डेमो दिखा दिया, अब पूरा वीडियो जरूर देखना एक बार, पता चलना चाहिए कि सर किस विधि से समझा रहे हैं। जितेंद्र सर की विधि कभी लाइव में फेल नहीं होती है, बस आपको एक बार पूरा वीडियो देखना है, ठीक है दोस्तों। और पसंद आए तो आपका इतना फर्ज तो बनता है कि लाइक और शेयर सबसे ज्यादा करना है आपको, ठीक है, क्योंकि आपका लाइक ही हमको बहुत पसंद है। आप लाइक करोगे हमको पता चलेगा कि हमारा पढ़ाना आपको पसंद आ रहा है। देखो दोस्तों, अब मैं बात करता हूं 2 डाइस। दो डाइस की बात करता हूं आप, मैंने क्या बताया, आप एक बार वीडियो सिर्फ देख लेना एक बार, सोते टाइम कहीं खड़े होके, चाहे कहीं बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, सो रहे हो, एक बार पूरा वीडियो देख लेना,
लाइफ में आपका डाइस का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हर क्वेश्चन को आप 2 से 3 सेकंड में ही सॉल्व करोगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः। आप कहोगे सर दो आ गए, तो दो का नियम एक है कि हमेशा कॉमन दिखेगा एक। सर कॉमन नहीं दिखेगा तब क्या होगा? देखो बताओ, कुछ दोनों में कॉमन दिख रहा है क्या? नहीं है। तो पहले डाइस देखो कौन सा, तीन हो एक, चार, एक हो दो, तीन, दो तीन पांच, बताओ सात हुए क्या? छह चार दस, चार पांच नौ, पांच छह ग्यारह, सात हुए क्या? नहीं। अब आप कहोगे सर इसमें तो हुई ही नहीं, तो जब कहानी सात नहीं हो तो कौन सा पांचा कहलाएंगे? ये मानक। और मानक होगा दोस्तों, अगर मैंने इसमें दो का पूछा किसी का पूछे तो डायरेक्ट दो का आंसर कितना होगा? पांच, क्योंकि कौन सा पांचा है? मानक। मानक होगा तो डायरेक्ट इसमें से आंसर देना है। एक का छ, दो का पांच, तीन का चार, चार का तीन, पांच का दो, छह का एक। बताइए दोस्तों ये बात समझ गए? एक बता देता हूं। अरे सब चीजें मैं, आप बस वीडियो पूरा देखना, आप खुद पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं सर। दो पांच छह, आप कहीं से भी ध्यान से देखना, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अब मैंने एक बताया दो पांच से आएंगे तो कॉमन दिखेगा, इसमें कॉमन क्या है बताओ? छह और छह। जब भी छह हो गए तो क्लॉक वाइज जैसी घड़ी चलती है, एक क्लॉक वाइज एक एंटी क्लॉक वाइज, तो देखना है पांच और दो, जिस तरीके घड़ी की सुई चलती, छह एक और तीन, तो दो का विपरीत कितना? तीन। पांच का कितना? एक। और ये बचा हुआ डाइस टोटल सात होते हैं, जोड़ने पर एक है, दो है, तीन है, पांच है, छह, बचा हुआ कितना? चार। कितना? चार। तो ये कहानी तो आपको यहां तक समझ में आ गई होगी। जब दो आ गई तो कहानी तीन की भी कहानी आपको बता देता हूं मैं। अब आपको सर आगे कहानी क्या बता रहे हो, तो देखिए दोस्तों, यहां मैंने इतना सारा क्यों बताया आप देखो आगे, आप खुद कहोगे सर और अच्छे से समझ में आ गए हमको। एक दो तीन चार पांच छः, कुछ भी आ जाए, पांच दो छः। आपको देखना जब तीन पांच से होंगे तो एक को हटाना, चार भी होंगे तो दो को हटाना, पांच सा दो ही को सॉल्व करना है। देखो पांच और दो सात, इधर सात हो रहा है, नहीं हो रहा है, इधर भी नहीं हो रहा है, ये सात हो रहा है, तो या तो इन दोनों के ले सकते हैं या इसके साथ इसको ले सकते हैं। तो यहां तक बताइए दोस्तों, आप सभी को समझ में आया कि नहीं? जब आपको यहां तक समझ में आया, आप देखिए नेक्स्ट आपको सर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, और ये करने के लिए आप इंतजार कर रहे हो। देखिए दोस्तों, अब पांचे का जो विस्तार है ये देखना किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। विस्तार होता कितने प्रकार का है? चार प्रकार का। आपको सर ये क्या बना दिया है? तो दोस्तों यही तो ध्यान रखना है कि डिजिट ध्यान रखना है कि अगर ये एक एक को छोड़कर चलते हैं तो एक का संबंध किससे होगा? इससे। अगर ये बना है तो इधर से इधर का भी हो सकता है, इधर इसका संबंध एक छोड़कर, एक छोड़कर चले, इसका संबंध करें एक छोड़कर, एक बीच वाला छोड़ा, इसका संबंध इधर। हाँ देखो एक छोड़कर चल रहा है कि नहीं कहानी सब में, यहां बताइए एक छोड़कर चल रही कहानी की नहीं? यहां पे देखिए दोस्तों एक कहानी छोड़कर चल रही कि नहीं? इधर भी देखो, इधर भी देखो, इधर भी देखो, ठीक है, इधर भी देखो और इधर भी देखो और इधर भी देखो, ठीक है। बताइए यहां तक तो समझ गए? अब आपको सर कैसे, देखो अभी यहां से समझ जाओगे पूरी तरीके से आप क्वेश्चन। देखो एक ही में अलग अलग समझा देता हूं, तो आप खुद कहोगे सर एक नंबर कभी भी गलत नहीं होगा। देखो
देखो दोस्तों, मैंने एक ही बात कहा है कि जो भी मैं रीजनिंग और मैथ के टॉपिक लेके आऊंगा, बस आप अगर एक बार कहीं इंदौर में अगर नहीं आ पा रहे हो ऑफलाइन क्लास में, तो घर बैठे ऑनलाइन के जितने वीडियो मेरे डलेंगे, अगर आपने एक बार देखा है वो टॉपिक, आपका बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और पसंद आए, आप भोपाल ग्वालियर कहीं से भी देख रहे हो, बिहार राजस्थान कहीं से भी किसी स्टेट से, बस वीडियो पसंद आए तो सबका पता चलना चाहिए इंडिया के अंदर कि हाँ ऐसा पढ़ाना किस चैनल पर है, BSES अकेडमी पर। देखिए दोस्तों, ये डाइस का तरीका देखो, अगर मैं दो को देख रहा हूं, दो का संबंध किससे होगा, चार से, तीन का संबंध किससे होगा, छह से, और छह एक का संबंध किससे, जो बचा हुआ कितना, पांच। तो देखो दोस्तों, ये दो है, तो बताइए दो का संबंध कितना होगा, दो का चार, कितना होगा चार। अगर हमने पूछा आपसे तीन का बताइए, तो तीन का दोस्तों कितना होगा, छः, कितना होगा छः। अगर हमने पूछा पांच का या एक का, तो कितना होगा पांच, कितना होगा पांच, बताइए दोस्तों। यहां तक समझ में आया? अब देखो, जो डिब्बे से बाहर है वो बाहर का बाहर से संबंध होगा, एक एक का छोड़ का चलन। जैसे देखो, इसका संबंध इससे कर दिया, इसका संबंध इससे कर दिया, जो बचा हुआ छह का यही तो होगा। तो बताओ एक का कितना होगा छः, तीन का कितना होगा पांच, दो का कितना होगा चार। अरे बताइए दोस्तों, यहां तक समझ में आया कि नहीं? देखो एक का कितना होगा चार, तीन का कितना होगा छः, और फिर बचा हुआ दो का कितना होगा पांच। तो बताइए दोस्तों, एक का कितना है चार, तीन का कितना है छः, और दो का कितना है पांच। तो बताइए दोस्तों, यहां तक कोई डाउट हो ही नहीं सकता है। अगर आपने जितेंद्र सर की वीडियो देख रहे हो, तो आपको खुद पसंद आएगा कि हाँ सर, विधि समझ में आ रही है। चार का कितना है छः, एक का कितना है तीन, तो दो का बचा हुआ कितना होगा पांच। तो एक का कितना है दोस्तों तीन, चार का कितना है दोस्तों छः, तो पांच का कितना है बचा हुआ दो। तो बताइए दोस्तों, यहां तक आपको डाइस में मुझे लगता है एक भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, यहां तक आप सभी को समझ में आया होगा। आई होप, मुझे यहां तक लगता है आप कभी भी पासे में डाउट नहीं होना है। देखो, जब यहां तक समझ में आ गया तो देखिए नेक्स्ट, अब क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लोगे कैसे। देखो ये क्वेश्चन आया, क्वेश्चन है 2015, 2017 और 2021, ये तीनों पेपर में आए, एसएससी ने भी दिया है, 2015 में रेलवे ने दिया है ये क्वेश्चन, और व्यापम ने भी दिया है। ध्यान रखना, आपको होगा सर कैसे सॉल्व करेंगे, चार चार डिजिट वाले आ गए, तो यही तो अंदाज है। देखो दोस्तों, सिर्फ आपको जादू देखना है, जादू की छड़ी के अकॉर्डिंग देखना है आपको सर, वाकई में हमको बहुत अच्छे से समझ में आया है। देखो दोस्तों, चार का कितना होगा छः, एक का कितना होगा तीन, दो का कितना होगा पांच, तो ये ऑप्शन में क्या होगा आंसर, ये देखना है। तो देखो, इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि अगर जहां चार है पांच के अंदर, वहां कितना नहीं होना चाहिए, छह नहीं होना चाहिए दोस्तों। जहां दो है वहां कितना नहीं होना चाहिए, पांच नहीं होना चाहिए दोस्तों। जहां तीन है तो वहां एक नहीं होना चाहिए, जहां एक है वहां क्या नहीं होना चाहिए, तीन। देखो यहां कितना है चार, तो बताओ चार का अपोजिट कितना छः, तो यहां चार है तो कहीं छः दिया है क्या, नहीं दिया है। एक है तो एक का क्या नहीं होना चाहिए, तीन, तो बताओ एक है, एक का तीन दिया है क्या, नहीं।
दो का पांच, पांच है तो दो नहीं होना चाहिए, दो है तो पांच नहीं होना चाहिए, आपको उधर पांच है दो नहीं है, तो बताइए इसका आंसर पहले ही मिल गया। अब आपको उधर सेकंड भी करके बताइए, देखो एक का कितना है तीन, तो बताओ एक का तीन है कि नहीं, तो ये तो वैसा ही नहीं है आंसर। देखो पांच और दो लिखा है, दो का कितना पांच, तो दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं, बताओ समझ में आया कि नहीं। यहाँ कितना लिखा है, चार और छः, और चार का विपरीत कितना, छः, तो बताइए ये दोस्तों ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, पहला। तो बताइए दोस्तों ईमानदारी से कि आपको डाइस समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट में मुझे जरूर बताना। अब देखो डी, डी का क्या है एफ, ए का क्या है सी, ई का क्या है बी, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान से देखो, जहां डी है तो वहां एफ नहीं होना चाहिए, जहां ए है वहां सी नहीं होना चाहिए, जहां बी है वहां क्या नहीं होना चाहिए, ई। तो देखो दोस्तों ए, देखो यहाँ ए है तो वहां क्या नहीं होना चाहिए, सी, और यहाँ तो ए और सी तो दिख ही गया, तो ये कैसा हो गया आंसर, गलत। अरे कैसा हो गया, गलत। ठीक है दूसरा देखो एफ वी ए, तो देखो यहाँ बी है तो ई, ई नहीं है, बी ए, तो ये बताओ बी ए, ई नहीं है, एफ है तो डी नहीं है, ए है तो सी नहीं है, तो बताओ ये तो मिल गया, ये तो मिल गया आपको आंसर मिल गया। अब आप कहोगे सर बी का क्या होता है, ई, और यहाँ बी और ई साथ में है, साथ में है, साथ में है, तो साथ में दिक्कत होती है दोस्तों, जब कोई व्यक्ति साथ में हो तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, तो यहाँ प्रॉब्लम आ रही है इसलिए इसको हटा दे रहे अपन। देखो देखिए दोस्तों ये डी का क्या है एफ, ये भी साथ में आ गए, तभी तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, इसलिए अपने के इसको लेते ही नहीं है, झंझट दूर, लेते ही नहीं है तो कोई झंझट ही नहीं होगी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों, सेकंड। बताइए आप ईमानदारी से कि डाइस आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा दोस्तों, जब आपको यहां तक समझ में आ गया तो आप देखिए अगला क्वेश्चन आपको मैंने दिए, देख लो क्वेश्चन किस नजरिए से आपको करना है, कैसे कैसे क्वेश्चन दिए गए हैं। एक पासे की दो, देखो दोस्तों ये मैंने दिया है कि आपको डबल डबल भी देखे तो कैसे कर सकते हो, देखो उधर इसमें डबल को समझाने के लिए से मैं डाला है कि ये अगर बिंदु है तो ये होना चाहिए, एक खाली है तो एक खाली से संबंध है, आपको उसे खाली का तो डबल आ गया, अरे डबल भी आ सकता तो डाउट मत होना है। देखो एक खाली है तो भी ये नहीं होना चाहिए यार, ये तो है ही, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, आपको देख ए और दोनों साथ में है कि नहीं, देखो तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है, तीनों खाली है तो ये तो हो ही नहीं सकता है, आप देखो बिंदी ए तो ये के क्या नहीं है, आप कहोगे सर एक खाली है तो दूसरा खाली नहीं होना चाहिए, अगर बताओ एक ए है तो एक नहीं होना चाहिए, डबल तो चलेंगे, तो बताओ इसका आंसर कौन सा है, चौथा। अब आप इसमें आंसर दीजिए, 5 सेकंड का टाइम दिया, आप देखो वीडियो को, आप खुद एक बार लगाओगे तो बाकी भी बहुत अच्छे समझ में आएगा, सामने दिया है आपका अपोजिट डाल दिया, आप देखो देखो ध्यान से क्वेश्चन ये दिया है, आप खुद करो लगाओ, मुझे कमेंट में जरूर बताओ, क्यों पता तो चलना चाहिए वाकई में मेरा वीडियो पसंद आ रहा है आपको, मैं कैसे समझा रहा हूँ तो मुझे ज़रूर बताना है। अगर आपको लगता है सर स्पीड में या विधि समझ में नहीं आ रही तो मैं आपको नए सिरे से फिर बताऊंगा, आपको आ गया, तो
तो कमेंट में जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या आया है। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन देखो ऑप्शन से देखना है अपन को, पहला है, सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ है। देखो दोस्तों ध्यान से देखना है, अगर ई इधर देखो, अगर डी है तो बी नहीं होना चाहिए, ई है तो एफ नहीं होना चाहिए, सी है तो क्या नहीं होना चाहिए, ए। और बताइए दोस्तों सी और ए तो ये साथ में ही है यार, ये तो साथ में ही है, तो इससे नाता तोड़ दिया अपन ने। देखो बी का डी से, सी का ई से, बी का डी से, बी का डी से, ये तो बी ओ डी साथ में है भाई, दो साथ में है तो झगड़ा उत्पन्न, इसलिए ले ही नहीं अपन ने। दूसरा भी कैसा गलत, ये भी पहला गलत। देखो आप किसको सॉल्व कर रहे हैं, तीसरे ये ऑप्शन से देखो, देखते चल अपन, डी ए तो क्या नहीं होना चाहिए बी, और ई ए तो क्या नहीं होना चाहिए ए, तो बताओ दोस्तों डी और बी, डी और बी तो बताओ है, ये तो साथ में है, फिर झगड़ा होगा, झगड़ा के लिए कौन जाएगा, इसलिए छोड़ दो इसको। देखो अब सी, सी के साथ डी नहीं होना चाहिए, एफ के साथ ए नहीं होना चाहिए, बी के साथ ई नहीं होना चाहिए। देखो ये बी है तो बी ने इक्वल रखा, उसने कहा यार काहे को झंझट छोड़ दो, एफ है ए नहीं होना चाहिए, एफ है तो ए नहीं है तो काहे का झंझट छोड़ दो, डी ए तो सी नहीं होना चाहिए, देखो डी ए सी नहीं है, उसने झंझट ही दूर है, इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा आपका ये। तो बताइए दोस्तों ईमानदारी से कि डाई से आपको कितने अच्छे समझ में आ रहा है। देखो दोस्तों बात करते हैं, इस तरीके क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे, ये अभी 2022 का क्वेश्चन देखना ध्यान से। देखो अब बात करते हैं दी गई स्थिति में, दी गई स्थिति के पांच का विपरीत फलक बताओ, पांच का विपरीत फलक बताओ। देखो दोस्तों ध्यान से देखना क्या सिखाया आपको, दो का पूछे कितना होगा चार, तीन का पूछे कितना होगा एक, अब आपको उसे दो का पूछे तो कितना है चार, तीन का पूछा कितना है एक, ये क्वेश्चन आया था और आपसे पूछा था पेपर में पांच का। देखो दोस्तों वीडियो अगर मेरा पसंद आ रहा है पढ़ाना तो सबसे ज्यादा शेयर करो पूरे इंडिया में, पता चले कि जितन सर का पढ़ाना कैसा है, क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूं एक बार पूरा वीडियो देखा है तो किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा दोस्तों। अब पांच की बात करते हैं, देखो पांच, पांच की बात करें, पांच का विपरीत ए भी हो सकता है, पांच का विपरीत ए भी हो सकता है, पांच का विपरीत ए भी हो सकता है, पांच का विपरीत ए भी हो सकता है। अरे वाह एक क्वेश्चन तो बहुत अच्छा था, वाह, गुणा भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस हो सकता है, सॉरी क्या हो सकता है, माइनस हो सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर इस तरीके से आपके ऑप्शन दिए गए थे। बताइए दोस्तों पांच का चार हो रहे, एक छोड़कर, एक छोड़कर चलेंगे, एक छोड़कर चलेंगे, एक छोड़कर, एक छोड़कर, समझ में आया। देखो दोस्तों जब ए आ गया, ये है सबसे वेरी मोस्ट डाइस के अंदर सबसे ज्यादा वेरी मोस्ट तो यही है, ये सबसे ज्यादा बच्चे गलत करते हैं, अधिकतर पेपर में गलत आता है, गलत हो जाता है पेपर में, ध्यान से देखो। देखो दोस्तों बस देखना है कि मैं किस तरीके से समझा रहा हूं, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा वेरी मोस्ट है। आप रेलवे अगर बैंक की तैयारी कर रहे हो, रेलवे बैंक और आप एसएससी, सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन देता है डाइस में, सबसे ज्यादा पसंद है एसएससी रेलवे, रेलवे में आप ग्रुप डी का दे रहे हैं, एनटीपीसी दे रहे हैं, लोको पायलट, आरपीएफ, आरपीएफ एसआई, किसी भी एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है एसएससी में, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो, आप किसी भी तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन बनता है। बैंक की बात करें तो बैंक में भी आता है,
व्यापम में अब आने लगा। व्यापम का तो एक ही क्वेश्चन जो मैंने स्टार्टिंग में आपको पढ़ाए हैं, देखो देखो, अब सर इस प्रश्नवाचक की जगह क्या आएगा आप देखिए दोस्तों, तो क्या करना है दोनों डाइस का देखना कॉमन, दोनों कॉमन कितना है छह, यहां तक समझ में आ गया ठीक है। क्लॉकवाइज घड़ी चलती है तो बताओ इस तरीके से चलेंगे ऐसे, छह से भी चलेंगे तो इस तरीके से चलेंगे अपन, तो छह के बाद बताओ कितना है दो, यहां कितना है तीन, दोस्तों दो के बाद कितना प्रश्नवाचक बताना है, तो इधर ध्यान रखना सर यहां क्या होगा ए, अभी इसको छोड़ दो, इधर देखो छह और छह, दो लिखा तीन लिखा, छह के बाद कितना है पांच और कितना है एक, तो अगर आपसे तीन का पूछा गया एक दो का पूछा गया पांच छह का पूछा जाएगा तो कितना होगा बचा हुआ चार, कितना होगा चार। अब सर इधर क्या होगा देखो ध्यान से देखना, दो से चल रहा है बताओ तीन, तो क्या है अगर मैंने पूछा देखो तीन का कितना एक, तो इसके जो पीछे बनेगा, इसके जो पीछे बनेगा अपोजिट कितना होगा एक, तो एक तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। इधर दो की बात करें तो इसका पीछे वाला दो के पीछे वाला पीछे क्या बनेगा पांच, तो ये भी पांच भी नहीं हो सकता है। अब ऑप्शन बचा चार और छह में से सर कौन होगा, यही तो ध्यान रखना है, ये ऑप्शन हटा देते बताओ, इसका तीन का पीछे वाला इधर होगा दो का पीछे वाला इधर होगा, इस प्रश्नवाचक की जगह क्या होगा, इस प्रश्नवाचक का अपोजिट ये होगा, तो अब बच्चे चार और छह में से क्या होगा दोस्तों देखो, अब ध्यान से देखना दो तीन छह, ये देखो दो तीन अपोजिट चल रहा है कि नहीं, और जब आपका अपोजिट चले तो आपको अपोजिट अगर सीरीज अगर इस तरीके से मिलती है तो आंसर कितना होता छह, तो इसका करेक्ट आंसर अपोजिट चल रहा है क्लॉकवाइज तो आंसर कितना है चार, कितना है चार। अभी आपको सर हमें कम समझ में आया तो देखिए दोस्तों एक और क्वेश्चन डाला है, इन दोनों बताओ कॉमन क्या आया तीन और तीन, तीन के बाद बताओ कितना है दो और कितना है एक, तीन के बाद कितना है चार और कितना है पांच। दोस्तों देखिए आप देखो तीन और चार इधर पांच, अब बताओ एक का पांच, एक का पांच इधर दिया ही नहीं है, चार का दो, तो दोस्तों दो तो हो ही नहीं सकता है, इधर कितना दिया तीन और चार, तो तीन का बचा हुआ दोस्तों कितना होगा छः, क्योंकि डाइस में टोटल छः होते हैं अभी बताया ना, एक दो तीन चार पाँच, तो बचा हुआ कितना छः, तो तीन का छः, तो ये छः तो हो ही नहीं सकता है, अब बचा है पाँच और एक। अब देखो तीन और चार फिर कहानी अपोजिट चले, तीन और चार सीरीज ये चल रही होती तो आंसर क्या हम बना देते अपन पांच, अपोजिट चले और पांच तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसमें दिया नहीं है, तो आंसर कितना पांच और एक में से बताओ, अपोजिट चले तीन चार अपोजिट चली, एंटी क्लॉकवाइज मिले तो आंसर कितना अपोजिट एक, क्लॉकवाइज मिलती तो आंसर कितना होता पांच। बस इस बात का ध्यान रखना बताओ कितने सरल तरीके से क्वेश्चन कभी गलत नहीं जाएगा दोस्तों, अगर डाउट हो एक बार रिपीट में वीडियो को आप देखोगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब डाइस की बात करते हैं, देखो डाइस की बात करते दो, डाइस मैंने अभी आपको समझाया आप खुद सॉल्व कर लोगे, हाँ सर आपका अब समझ में आया कि वीडियो कि बाकी में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, देखो देखो अब आपसे कहा है कि एक का विपरीत फलक बताइए, कितने का एक का विपरीत फलक, तो आपको बताया स्टार्टिंग में क्या बताया कि आपको ये देखना है कि पासा कौन सा है, कि मानक पासा है सामान्य पासा, तो बताओ मैंने अभी आपको बेसिक से समझाया था कि नहीं, जब आपको बेसिक से समझाया है तो दोस्तों अब आपको हर क्वेश्चन समझ में आएगा। देखो
आपसे पूछा है एक अपवर्तित फलक बताओ, अब देखना है डाइस है कौन सा। अगर सामान पांच हुआ तो क्या सिखाया, एक का छः होगा, दो का पांच होगा, तीन का चार होगा, चार का तीन होगा, पांच का दो होगा, छः का एक होगा। अगर सामान पांच आया तो एक से छः तक लिखना है, जो डाइस में दिए उसको काटना है। एक का पूछा, देखो पहले पहले देखो, तीन और एक चार, सात हुए क्या, एक और दो तीन, सात हुए क्या, दो तीन पांच, सात हुए क्या। अपोजिट भी चलोगे, क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, आपको अगर सात मिलते हैं तो सामान पांचा के अकॉर्डिंग करना है, सात नहीं मिलेंगे तो स्टैंडर्ड पांचा है, स्टैंडर्ड डाइस है जिसे मानक पांचा के अकॉर्डिंग करेंगे। तो सात नहीं है तो ये कौन सा है, मानक पांचा। तो एक का विपरीत कितना बताया, छः, कितना बताया छः। देखो दूसरा, पांच और चार नौ, चार और छः दस, छः और पांच ग्यारह, कितना है छः और पांच ग्यारह। देखो दोस्तों अब बताओ जोड़ने पर सात हुई क्या, नहीं। अरे नहीं हुए तो काहे टेंशन, तीन का कितना होगा जब मानक पांच आए, कितना होगा छः। तो बताइए दोस्तों यहां तक समझ में आया कि नहीं। देखो इसमें कितने का पूछा, चार का, पांच और एक छः, एक और तीन चार, तीन और पांच आठ, अरे सात हुए क्या, नहीं। तो चार का कितना होगा, तीन। बताइए दोस्तों समझ में आ रहा है कि नहीं। कितने का पूछा, पांच का, दो और तीन पांच, तीन और चार सात, कितना सात। कितने का पूछा, पांच का, तो बताइए एक दो तीन चार पाँच और कितना छः। कितने का पूछा, पाँच का, पाँच का पूछा है तो कितना दिया है चार, कितना दिया है दो, कितना दिया है तीन, कट गए कि नहीं। पाँच ही के अंदर जिसका पूछा उसे अंडरलाइन, और जिसने डिजिट है वो पाँच ही में दिए उसे काट दें। कितना कितना बचा, एक बचा और कितना बचा छः। तो इसका करेक्ट आंसर कितना, एक। बताइए दोस्तों यहां तक समझ में आया। देखो बात करते हैं अब दो का विपरीत फलक बताओ। देखो अब छः और दो आठ, सात हुए क्या, नहीं। दो एक सात हुए क्या, नहीं। मगर एक और छः कितना हो रहा है, सात। जब सात हो रहा है कहानी तो कितना लिखना, एक दो तीन चार पांच और कितना है छः। किसका पूछा, दो का, जिसका पूछे उसे अंडरलाइन कर लो। कितने कितने काटना, छः। कितना काटना, एक। कितना काटना है, दो, आठ ही गया है। कितना कितना बचा, तीन चार और पाँच। बताइए समझ में आया कि नहीं। अरे आया कि नहीं। देखो दोस्तों कितने का आपसे पूछा, तीन का, तीन का विपरीत फलक पूछा है तो कैसे करेंगे। देखो चार और दो और चार और पाँच नौ, पाँच और दो सात, अरे सात हो गए। तीन का पूछा, एक दो तीन चार पाँच और कितना छः। जिसका पूछा जाए उसे अंडरलाइन कर लो तो कितना, तीन का। कितना कितना दिया है, पाँच। कितना दिया है, चार। कितना कितना बचा, एक दो और कितना बचा है छः। तो बताइए दोस्तों आपको हर तरीके के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, आप खुद एक बार वीडियो देखना, हर तरीके के क्वेश्चन आपको डाला गया है। एक बार वीडियो देखा है किसी भी एग्जाम में आपका गलत नहीं हुआ। देखो कितने का पूछा है आपसे, चार का। बताओ इन दोनों में कॉमन आ रहे, पहले तो देख लो कॉमन ही नहीं आ रहे तो कौन सा पास आए। तीनों दो पाँच, दो एक तीन, एक और तीन चार, सात हुए क्या, नहीं।
पाँच और चार नौ, चार और छः दस, छः और पाँच ग्यारह, सात हुए क्या? नहीं। कितने का पूछा है? चार का। तो चार का आंसर कितना होगा? तीन। कितना होगा? तीन। दोस्तों कितने का पूछा? पाँच का। पाँच का विपरीत फलक बताइए। दोस्तों इसमें कॉमन आ रहा है कुछ? आपको सर दो आ रहे, तो दो के सामने कहानी लिखना है। कितना? चार और तीन। दो के सामने कितना? पाँच और छः। कितने का पूछा है? पाँच का। तो पाँच का दोस्तों कितना होगा? चार। कितना होगा? चार। तो बताइए दोस्तों यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? जब आपको यहाँ तक आ गया तो देखिए ना, अब अगला नेक्स्ट। अब बस आप देख लोगे दो तीन चार। अब मैं आपको पीपीटी के क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा। आप प्रैक्टिस करने के लिए इतने सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, बस आपको प्रैक्टिस करना है। इतने सारे क्वेश्चन के लिए, आप लोगों के लिए इतने सारे क्वेश्चन डाले गए हैं, बस एक बार देखने के बाद आप कहोगे हाँ क्वेश्चन सर अब हम सॉल्व कर लेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं देखो, ये दिए गए देखो, इतने सारे क्वेश्चन आपको डाले गए हैं, बस आपने ये बेसिक पूरे समझ लिए। क्यों? मैंने स्टार्टिंग में आपको चारों टाइप पढ़ा दिए, तो फिर खुद ही कर लोगे आप। देखो अब बात करते हैं कितने पाँच से आएंगे? तीन। तो तीन में ये देखना है कि अगर जोड़ने पर तीनों सात हैं तो आप दो ले सकते हो। तीनों तो हो ही नहीं सकते। तीन में से अगर दो सात हैं तो उसमें से एक लेना है, और एक ऐसा लेना है जो जोड़ने पर सात ना हो। आप कहोगे सर कैसे? देखो मैंने समझाया है, छः और तीन नौ, तीनों दो पाँच, दो छः आठ, सात हुए क्या? नहीं। छः और एक सात हुए। अच्छा ये प्रश्नवाचक वाला है, सॉरी ये तो प्रश्नवाचक वाला है, तो प्रश्नवाचक का आपको करने दिया। अब ये सवाल तो बताओ आप खुद कर सकते हो? आपको सर आप खुद करके बताइए। तो ये तो मैंने आपको बताओ पिछला बताया कि नहीं? देखो देखो ये क्वेश्चन प्रश्नवाचक, ये भी प्रश्नवाचक, तीनों डाइस में बताया, तो आप खुद बताओ ये तो कर लोगे आप। और एक क्वेश्चन दिया मैंने ए डब्ल्यू में, अब इसमें डाइस कितने हैं? चार। तो डाउट नहीं होना है, क्योंकि पहले इन तीनों को ही सॉल्व करना है। इन तीनों को सॉल्व करोगे तो दो के अकॉर्डिंग करोगे, फिर आपको लास्ट वाला देखना है। देखो दोस्तों अब बात करते हैं दो वाले पांसे की। तो सबसे पहले देखो कितने कॉमन है? तीन। तीन के बाद कितना चलेगा? पांच और एक। तीन के बाद कितना चलेगा? दो और चार। तो बताओ अगर मैंने पांच का पूछा तो दो, एक का पूछा चार, तीन का पूछे तो कितना होगा? एक का चार तो कितना होगा? छः। कितना होगा? छः। तो बताओ दोस्तों यहां तक आ गए, एक का पूछा तो एक का आंसर कितना है? चार। इसमें बताओ क्या है कॉमन? एक। तो एक के बाद वही क्लॉक वाइज पांच और छः। एक के बाद कितना? तीन और चार। किसका पूछा? छः का। तो छः का आंसर कितना होगा? चार। बताइए दोस्तों ये समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको कोई डाउट है क्या? नहीं। आपसे पूछा दो का विपरीत फलक, तो बताइए दो का है, तो बताओ तीनों एक चार, एक और दो तीन, तीनों दो पांच, सात हुए क्या? नहीं। छः चार दस, चार पांच नौ, पांच और छः ग्यारह, सात हुए क्या? नहीं। छः तीन नौ, तीनों एक चार, छः एक सात, सात हुए क्या? हाँ। देखो देखो दो का विपरीत फलक, अब बताओ इन दोनों को भी ले सकते हैं या इसके साथ इसको भी ले सकते हैं। तो बताओ कितना कितना आ रहा है? छः और छः। अब जब छः और छः चला है तो क्लॉकवाइज वही चलेगी कितनी? पाँच और चार। छः के बाद कितना? एक और तीन। किसका पूछा है आपसे? दो। छः का बचा हुआ कितना होगा? दो। तो दो का कितना है? छः। तो दो का आंसर कितना? छः। अगर इससे सॉल्व करोगे तब भी आएगा, कोई डाउट नहीं है। बताओ समझ में आया? देखो अब इसमें पूछा है कितने का? दो का। तो बताओ यहाँ सात हो रहे क्या? नहीं हो रहा है। इधर देखो सात हो रहे क्या? नहीं हो रहा है। या तो इन दोनों को ले लो, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? तीन। तीन के बाद कितना? पांच और एक। तीन के बाद कितना? दो और चार। किसका पूछा? दो का।
दोस्तों दो का कितना होगा? पांच। बताइए समझ में आया कि नहीं? अब बात करते हैं कितने पांच से आ जाए, चार लास्ट है जो, क्योंकि हमेशा आपने देखा डाइस में जब भी क्वेश्चन आए या तो एक पूछेगा या आपसे दो पूछेंगे या तीन या फिर लास्ट चार। देखो अब चार का नियम क्या है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि जब भी चार पांच से आएंगे तब भी आपको दो हटाना है। अब सर दो कौन से हटाएंगे? देखिए 6 2 8 2 3 5, 3 6 9, बताओ सात हुए क्या? 6 4 10, 4 2 6 2 6 8 7 10, 8 हुई 10, 7 हुई क्या? 5 4 9, 6 4 10, 7 हुए क्या? नहीं। 4 2 6 1, 7 हुए क्या? अरे सात तो किसी भी नहीं हो रहा है। तो दोस्तों दो कोई से भी ले सकते हो, दो कोई से भी ले सकते हो। आपसे किसका पूछा? एक का। इधर 6 का 6 समान है, 3 2 2 समान है, इधर 3 का पूछता तब कितना होता? 4। तो आप अपने इसके साथ नहीं ले सकते। तो दोस्तों इसका आंसर इसके साथ ले सकते हैं। कितना कितना है? 6। तो 6 का कितना होगा? 3 और 2, 6 के बाद कितना? 4 और 5। तो 6 का बचा हुआ कितना? 1। तो 1 का आंसर कितना होगा? 6। कितना होगा? 6। अब बताओ ये तो आप खुद कर लोगे कि नहीं? अरे बन जाएगा दोस्तों, आप बताया करो, कमेंट में बताओगे तभी तो मुझे लगेगा। क्योंकि देखो आप सिद्धार्थ ईमानदारी से अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हर वीडियो पूरा देखोगे तभी हर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। और कंटेंट भी ऐसा डाला गया कि किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं एक ही वीडियो में पूरा निचोड़ आपको मिलेगा। देखो 6 और 3 9, 3 और 2 5, 2 6 8, बताओ 7 हुई क्या? 4 और 2 6, 5 और 2 7, 7 हुई क्या? 6 और 1 7, बताओ 7 हुई क्या? नहीं। अब या तो इन दोनों को ले सकते हो या उन दोनों को ले सकते हो। आपको सर दो दो है, ले लिए। दो के बाद कितना बनेगा? 6 और 3। तो बताओ दो के बाद कितना चलेगा? 5 और 4। किसका पूछा है? 6 का। तो 6 का आंसर कितना है दोस्तों? 5। कितना है? 5। तो बताइए दोस्तों आपको मैं इतने बेसिक से बड़ी शिद्दत के साथ इतने कंटेंट के साथ आपको क्वेश्चन लेके आया हूँ। आपको कुछ तो पसंद आए होंगे, और जब पसंद आए तो बस लाइक कर देना, एक कमेंट कर देना, बाकी में मुझे लगेगा मेरा पढ़ाना आपको पसंद आया है। ये अब बात करते हैं देखो क्वेश्चन की। अब क्वेश्चन देखो आपको मैं बता देता हूँ, पहले प्रश्नवाचक वाला आपको बताया कि नहीं? हर क्वेश्चन देखो चार वाले बताए कि नहीं? आप क्वेश्चन नहीं मुझे तो करके बताइए, तो मैं हर एक क्वेश्चन एक एक आपको बता देता हूँ, फिर आपको मैं स्क्रीनशॉट लेते चलना, मैं क्वेश्चन निकालते जाऊंगा, खुद आप प्रैक्टिस करना, पूरे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। देखो देखो दोस्तों इसमें कितना है? 6 3 9, 2 3 5 7 10, ये कौन पेन यूज कर लिया जाए? 7 हुए क्या? नहीं। 6 4 10, 4 2 6, 6 2 8, 7 हुए क्या? नहीं। 6 4 10, 5 4 9, 7 हुए क्या? नहीं। इसमें भी 7 नहीं हुए। तो दोस्तों कोई से भी ले सकते हो आप, जब 7 की कहानी ना आए। आपको सर 2 और 2, 6 और 6, तो एक कहानी नहीं चलेगी। आपको सर इन दोनों में से, इन दोनों में कोई से भी ले लो। 4 4 के बाद कितना है? 6 और 5। 4 के बाद कितना है? 1 और 2। तो 6 का विपरीत कितना है दोस्तों? 1। कितना है? 1। क्वेश्चन देखो मैंने बताया ना कहीं से भी आए, ये पेपर की क्वेश्चन है, एसएससी रेलवे की क्वेश्चन उठाए, प्रैक्टिस आप खुद कर लोगे। तो इतने सारे मैंने बताए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बताओ इसी को देखकर आप खुद कर सकते हो कि नहीं? तो देखो इसकी शॉर्ट ले सकते हो आप और खुद कर लेना। देखो दो वाले पांच से बताए, अरे दोस्तों बताए कि नहीं? आप कहोगे नहीं सर एक बार और बता दो, तो भाई मैं आप एक बार क्या, जितनी बार आप कहोगे जितनी बार मैं आपको बताऊंगा। 2 2 कॉमन, 2 के बाद कितना है? 4 और 1। तो 2 के बाद कितना है? 6 और 3। आपसे कितने का पूछा है? देखो कितने का पूछा? 5 का। तो बचा हुआ 2 का कितना होगा? 5। तो इसका आंसर कितना होगा? 5 का 2, 2 का 5, 5 का 2, 5 का 2। तो करेक्ट आंसर कितना आपका? 2। कितना है? 2। बताइए दोस्तों आया समझ में कि नहीं?
अब आप कहोगे देखो अब तो कर लेना चाहिए यार, अब तो क्योंकि एक जैसे हैं, आपको सब प्रैक्टिस करने के लिए इतनी मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चन दिए हैं कि आपसे गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। एक और एक, एक के बाद बताओ कितना दिया, दो और तीन, एक के बाद बताओ कितना दिया, छः और पाँच। तो किसका पूछा, चार का, तो एक का बचा हुआ कितना, चार। बताओ चार का आंसर कितना, चार का आंसर कितना, एक। तो चार का आंसर कितना, एक। बताइए दोस्तों ईमानदारी से, आपको पूरे कंटेंट के साथ पढ़ा रहा हूं, एक भी क्वेश्चन आपको रॉन्ग लगेगा। देखो अब आपको तीन वाले, देखो मैंने अभी एक वाला भी बता दिया आपको, दो वाले, तीन वाले भी बता दिए, तो फिर आप एक इसमें जब भी अब बात आए किसकी, समान। देखो तीनों प्रारूपों को निचली सतह पे तो एक ही डिजिट आना चाहिए, एक डिजिट समान कौन है, पाँच, पाँच डिजिट समान देखते हैं जब आपको नीचे सतह पर पूछा जाए। फिर आ गए देखो दो, अरे अब तो बन जाना चाहिए कि नहीं, दो दो, दो के बाद कितना होता है, दो के बाद कितना होता है, चार। फिर कितना है, एक। बताओ दो के बाद कितना दिया है, छः। कितना दिया है, तीन। तो बताओ दोस्तों किसका पूछा, पाँच का, तो दो का बचा हुआ कितना होगा, पाँच। तो पाँच का कितना होगा दोस्तों, दो। कितना होगा, दो। तो इसका करेक्ट आंसर कितना है, दो। बताइए दोस्तों यहाँ तक कोई डाउट, क्योंकि देखो तो एक जैसे क्वेश्चन करोगे तो आपको हर चीज़ समझ में आएगी। ऐसे तो मैं भी कहता हूँ कहीं पे भी, तो इतने सारे YouTube पे वीडियो डले हुए हैं, सिर्फ मेरा पढ़ाने का एक ही रीज़न है कि आपको हर एक वीडियो में पूरा निचोड़ देना, पूरे कंटेंट के साथ। आपने पढ़ा सब जगह होगा, बस एक बार वीडियो देखोगे तो आप अपने आप में खुद सोचोगे, बाकी में सर मैं हर क्वेश्चन समझ में भी आया नए कंटेंट के साथ। और पसंद आए वीडियो तो सबसे ज़्यादा क्या करना आपको, शेयर करना, क्या करना है, शेयर, क्योंकि देखो हमारा मनोबल बढ़ेगा। आप अगर हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब सबसे ज़्यादा करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करना शेयर इसलिए कि आपके सहपाठी को तो पता चलना चाहिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। देखिए दोस्तों अब बताओ एक जैसे हैं तो कर लोगे, मैंने पूरा वीडियो आपको समझा दिया है, तो अब ये तो सिर्फ आप प्रैक्टिस करने के लिए दिए मैंने, कोई क्वेश्चन में डाउट देख लो, बस आप खुद कर लोगे। बस मेरा कहना है कि एक जैसे क्वेश्चन है, डाउट बिल्कुल मत होना है। अब आपको उसे एक जैसे इतने सारे बता दी, बताओ छः और छः एक जैसा है कि नहीं, देखो ध्यान से देखना और बता देना कि क्लियरिटी दिख रहा है कि नहीं, वीडियो में कोई दिक्कत आ रही है, ऊपर नीचे देख लेना आप। छः और छः डिजिट सही दिख रहा है कि नहीं, कलर देख लेना कोई डाउट हो। छः और छः, छः के बाद कितना, एक और तीन। छः के बाद कितना, कहानी क्लॉकवाइज कितना, पाँच और चार। देखिए दोस्तों कितने का पूछा, तीन का, तो तीन का लगा दो, मार दो तुक्का। तुक्का नहीं लगाना दोस्तों, मैं समझा रहा हूँ, तुक्का काहे का, तीन का आंसर कितना, चार। तो इसका करेक्ट आंसर कितना है, चार। बताइए समझ में आया कि नहीं, बताइए दोस्तों कोई क्वेश्चन डाउट है क्या। बस आपको चार पांच क्वेश्चन और खुद कर लोगे बिल्कुल, आप बस दो से चार क्वेश्चन और देख लो, आपका खत्म वीडियो, बस देखना ध्यान से। देखो क्वेश्चन अब कितने आए, तीन, तो खुद कर लोगे कि नहीं आप? आप कहोगे सर हमको एक बार करके बता दीजिए। अरे एक बार क्या, हम तो दो बार बता देंगे, बस क्वेश्चन को समझना एक जैसे। देखो तीन में से एक को हटाना है, तो बताओ जहां सात बने वहां आपको हटाना है। इसमें बताओ सात हो रहा है क्या, पांच और दो सात हो रहा है। इसमें हो रहा है पांच और छह, छह और तीन नहीं हो रहा है। इसमें हो रहा है क्या, चार और तीन सात, हाँ। तो या तो इन दोनों को ले सकते हो या इन दोनों को ले सकते हो, जो आपका मन कहे वो ले लीजिए। इधर पांच और पांच एक जैसा है, तीन और तीन एक जैसा है, छह का पूछे तो कितना होगा, चार। कोई डाउट, मगर यहाँ तो कितने का पूछ रहा है, दो का, तो आपको फिर कौन सा लेना है, ये दोनों, कौन सा लेना है, ये दोनों। अब आपको सर इसमें कितना है, देखो तीन, कितना कॉमन है, तीन। अरे भाई दोस्तों ये अदर ध्यान से देखना, यहाँ तीन है तो यहाँ पे भी कितना है, तीन। यहाँ पाँच है, यहाँ कितना है, पाँच है। तीन और तीन एक जैसा, पाँच पाँच एक जैसा, तो दो का कितना होगा,
छः इसमें से आंसर नहीं दिया तो निर्धारित नहीं कर सकते। छः का पूछा जाए तो कितना, दो, ऑप्शन में दिया नहीं है, बताइए दोस्तों। बात करते कितने का, दो, अब आ गए कितने पास है, चार, अब तो कर लोगे कि नहीं, आपको एक जैसा दिया है, आपको उसे दो वाले, तो दो वाले तो कर लोगे कि नहीं, क्यों, कॉमन कितना आएगा, चार, चार के बाद कितना है, पांच और तीन, चार के बाद कितना है यार, एक समझ में आ रहा हो तो बता देना, छह और एक, कोई पांच में दिखने में प्रॉब्लम हो तो देख लेना आप। किसका पूछा है, पांच का, तो पांच का आंसर कितना होगा, छः, कितना होगा दोस्तों, छः, देख लेना, कलर में कोई दिक्कत आ रही हो बता देना, कलर हम चेंज कर देंगे, बताइए दोस्तों। अब तो बहुत अच्छे से आना लगा होगा आपको, डाइस, कॉमन कितना, चार, चार के बाद कितना है, पांच, अरे चार कॉमन, पांच कॉमन, कितने का पूछेगा, एक का, ये कितना, सॉरी छः, कितना है, छः, चार कॉमन, चार के बाद कितना है, छः और तीन, चार के बाद कितना है, पांच और एक, एक का बचा हुआ कितना होगा, दो, किसका पूछा, चार का, तो दोस्तों मार दो, कितना आंसर, दो, इसका आंसर करेक्ट कितना, दो, बताइए दोस्तों, यहां तक समझ में आया कि नहीं। देखो आप तो कर लोगे कि नहीं, एक जैसा दिए, आप बताओ कोई दिक्कत, ठीक है, देखो आप लोगों एक जैसा, इतने सारे करवा दिए, अब तो कर लोगे, आपको बस ध्यान इस बात का रखना है, आपको डाइस अगर आपका दिया है और आपका, देखो इधर छः और दो आठ, दो चार छः, छः चार दस, सात हो रहे क्या, नहीं, पाँच एक छः, एक और तीन चार, तीनों पाँच, सात हो रहे क्या, नहीं, कितने का पूछा, दो का, तो दो का आंसर कितना होगा, पाँच, क्यों हुआ, क्यों, दो का आपका मानक समय है, तो मानक समय कितना, पाँच, ठीक है दोस्तों। कितने का, छः का, छः का विपरीत, तो अब तो आप बताए दोस्तों कर लोगे कि नहीं, बस पांच सा देखना कौन सा, छः और एक साथ हो रहे कि नहीं, हाँ हो रहे हैं, जब हो रहे हैं तो आपको कॉमन दिखेगा, आपको सर कॉमन तो इसमें नहीं है, तो कॉमन होना जरूरी है, तो ये बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन को कॉमन दिखेगा और एक साथ हो रहे तो मानक पांच सा हो ही नहीं सकता है। देखो अब तो कर लोगे, इसमें कॉमन ले लोगे, कोई डाउट, इसमें कॉमन ले लोगे, इसमें भी कॉमन ले लोगे, क्योंकि एक जैसे हैं, अब एक जैसे तो आप करोगे बार बार, तो इतने सारे सवाल बता दिए तो आप तो गलत नहीं होना चाहिए। कितना कितना है, छः, अरे दो और तीन, छः के बाद कितना, एक और चार, किसका पूछा, छः का, तो छः का आंसर कितना होगा, पाँच, कितना होगा, पाँच, छः का कितना होगा, पाँच, तो बताओ इसमें कितना है, इनमें से कोई नहीं, अब तो कर लोगे, तीन का पूछा है, कोई डाउट, अरे हो जाएगा कि नहीं, कोई दिक्कत, कितने का पूछा, तीन का पूछा है यार, इसमें होता छः है तो इसमें भी कितना, छः, इसमें दो है तो इसमें भी दो, तो आपसे पूछा गया है तीन का, तो तीन का दोस्तों कितना होगा, चार, तीन का कितना होगा, चार, हाँ छः, छः दो, तो तीन का करेक्ट आंसर कितना होगा, चार, ध्यान रखना कितना आंसर होगा, चार। देखो लास्ट क्वेश्चन, अब तो बन जाएगा कि नहीं, आपको पांच दिया है, अब तो कर लोगे, तो ये आपका हुआ डाइस खत्म। तो दोस्तों इतने सारे मैंने आपको क्वेश्चन समझाए, तो आप बताइए ईमानदारी से डाइस समझ में आया कि नहीं आपको। देखो मैंने इतने सारे आपको दिए, इसकी शॉर्ट भी ले सकते हो, वीडियो को पूरा एक बार पुनः आप देख सकते हो। तो बताइए दोस्तों हमारा अगर वीडियो पसंद आए तो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा इसका धमाका होना चाहिए आपके थ्रू, आपका सहयोगी BSES एकेडमी है। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो सबसे ज्यादा लाइक और शेयर करना है। मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।